नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 13, इसमें देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अच्छा, तो ये दिया है 160, 144, 169, 144, 121 और ये 100। तो सीधा सा ये दिख रहा है कि सारे के सारे क्या हैं, वर्ग हैं, वर्ग निकाले गए हैं। तो इसका वर्ग कितना होता है, 169 13 का वर्ग होता है और ये 12 का वर्ग होता है और ये 11 का वर्ग होता है और 100 कितना होता है, 10 का होता है। तो इसके बाद सीधे 9 का वर्ग आना चाहिए, 9 का स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि क्या है, 81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है। FLUGMU और HNW और IOX, इसमें देखे तो अगर देखे तो ये FG, ठीक है, HI, ये चल रही है सीरीज। उसके बाद LMNO, ये भी चल रही है। उसके बाद UV, V के बाद W और फिर ये X। तो आगे क्या है, आगे हम सीरीज फिर बढ़ा देते हैं। तो FGHI, I के बाद क्या आएगा, J, तो यहाँ J आ जाएगा। बीच वाली सीरीज चलाएं तो LMNO, उसके बाद P आना चाहिए, उसके बाद UVWX और इधर Y आना चाहिए। तो JPY, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या कह रहा है, APCQERG। अच्छा, ये दिया है, इसको पहले डिजिट में ही कन्वर्ट कर लो, ABCD को डिजिट में कन्वर्ट करने से सीरीज आसान हो जाती है, ठीक है। तो डिजिट में कन्वर्ट कर ले, ए बोल रहा है, A1 होता है, AP, P कितना होता है, P होता है 16, हाँ P 16, ठीक है। C 3, Q Q कितना होता है, 17, ठीक है। E कितना होता है, 5। R कितना होता है, ये 5 ऐसे लिखो, R कितना होता है, R होता है 18। G कितना होता है, सात, ठीक है। आगे हमें सीरीज बढ़ानी है, तो पहले देखें हम, ये 1 3 हो रहा है, फिर 5 चल रहा है, फिर 7 चल रहा है, आगे इसमें क्या चल रहा है, 16, 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद सीधे क्या आना चाहिए, 19, और 7 के बाद क्या आना चाहिए, 9, यानी 9 आना चाहिए इसके आगे, और ये 18 की जगह यहाँ पे 19 आना चाहिए। तो 9 किसका होता है, 9 हमें पता है आई होता है 9, ठीक है। उसके बाद 19, 19 एस होता है, आई एस कोई है, पहले क्या आना चाहिए इसमें, 7 के बाद क्या चल रहा है, ये पहले आएगा ना, यानी कि पहले 19 आएगा फिर आगे 9 लिखा जाएगा, यानी कि पहले एस फिर आई, ठीक है। तो एस आई, ये ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।